बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ मोहम्मद नुमान कयूम। तुसी देखते पए हो गंधारा हिंको टीवी। अज दी ताज़ा खबरां, क्राइस्टचर्च दहशतगर्दी ते ओआईसी दा हंगामे इजलास 22 मार्च नूं तलब कर लिता गया वे। इस्लामाबाद इच प्रेस कॉन्फ्रेंस करदे हुए वज़ीर खारजा शाह महमूद कुरैशी ने किया वे कि न्यूजीलैंड दुनिया के पुरअमन तरीन मुल्कां चों इक मुल्क है। क्राइस्टचर्च इच मसीतां दे हमलियां इच 50 अफराद शहीद होए, जिन्हां इच 10 पाकिस्तानी भी शामिल है। उन्होंने कहा कि मेरी तुर्की दे वज़ीर खारजा नाल गल हुई है, साने फैसला किया वे कि ओ आईसी का हंगामी इजलास बुलाया जाए। इजलास 22 मार्च को इस्तनबोल ही तलब कर लिया गया वे। 1965 की जंग में एक मिनट से घट वक्त दुश्मन मुल्क भारत के 5 जहाजों को तबाह करने वाले कौमी हीरो एमएम आलम की 6वीं बरसी आज मनाई जाती पई है। एमएम आलम का जंगी हवाबाजी का कारनामा आज भी सुनने वालिया हैरत ही पा देता है। एमएम आलम ने एक ही वक्त 5 भारतीय जहाजों को खाक चढ़ाई। इन्हों गैर मामूली जंगी हवाई महारतों से उन्होंने फालकन ते लिटल ड्रैगन जय इल्काबार से भी नवाजा गया। महकमे दाखिला पंजाब की इजाजत के बाद साने मॉडल टाउन इस तहकीकात वैसे कायम जीआईटी साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ का बयान कलम बंद करने वैसे अज कोर्ट लखपत जेल जासी। एडी ख्वाजा की सरबराही जे आई टी अरकान नवाज शरीफ से सवालात कर सुन। जे आई टी ने साबिक वजीर आला पंजाब शहबाज शरीफ नु भी आज तलब कर लिता वे। वजीर आला खैबा पख्तूनख्वा महमूद खान ने किया वे कि दहशतगर्दी की तबाह हाल इंफ्रास्ट्रक्चर की बहाली साड़ी हुकूमत की तरजीह है। उन्होंने फास्ट ट्रैक के स्कीमों को मुकम्मल करने वास्ते वसाइल की फरहमी की हिदायत दी है। उन्होंने कहा कि साड़ी हुकूमत की मुनसिफाना तरक्यात हिकमत अमली का मकसद गरीब अवाम नू सहूलियात फराम करना ते उन्हां दा एहसास महरूमी खत्म करना वे। गंधारा हिंको बोर्ड के तहत गंधारा हिंको अकैडमी का 191वां अमूमी इंतजामी इजलास गंधारा हिंको अकैडमी के डॉक्टर जहूर अहमद अवान कॉन्फ्रेंस रूम में मुनक्किद होया। इजलास की सदारत गंधारा हिंको बोर्ड के जनरल सैकटरी मोहम्मद जियाउद्दीन ने की। इजलास की तखलीक तहकीक ते तरवीज समेत इंतजामी उमूर ते भी गलकत की गई ते मुतअद्दिद फैसले किए गए। समाजी राबते की वैबसाइट इंस्टाग्राम अपने सार्फीन वसे स्नैपचैट के तस्ते एक गेमिंग प्लेटफॉर्म मुतारिफ कराने वसे तैयारी कर दी पई है। समाजी राबते की वैबसाइट पैगाम तस्वीर वीडियोज ते फाइलां भिजवाने के नाल नाल सार्फीन नू दिलचस्पी नू बरकरार रखने वसे मुख्तलिफ गेम खेलने की पेशकश कर सी, जिसनों नौजवानों काफ़ी पसंद किया जाता पिया वे। एक रिसर्च के मुताबिक नौजवान तेजी नाल मकबूलियत हासिल करने वाली वैबसाइटा जो इंस्टाग्राम पहले नंबर पर वे। क्वेटा ग्लैडिएटर्स ने फाइनल इच पिशावर जलमी नू हरा के पाकिस्तान सुपर लीग 4 इच चैंपियन बनने का एजाज हासिल कर लिया वे। ग्लैडिएटर्स ने पिशावर जलमी का 139 रनों का हदफ 2 विकटा से हासिल करके पहली बार टाइटल अपने नाम कर लिया वे। ओपनर अहमद शहजाद ने शानदार बैटिंग करते हुए 59 रनों की नाकाबले शिकस्त इनिंग्स खेली ते टीम की जीत में अहम किरदार अदा किया। पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री की नामवर अदाकारा जारा शेख तवील अरसे बाद एक बार बाद फिल्म नजर आ सुन। सन 2000 एक फिल्म तेरे प्यार में दे जरिए फिल्म कदम रखने वाली खुबरू अदाकारा जारा शेख पहली ही फिल्म से शायकीन के दिल जगह पैदा कर ली थी। बाद अजां जारा शेख फिल्म चरो इश्क लड़ाएं ते लाज समेत मुतअद्दिद फिल्म भी नजर आईं। इस दे नाल ही अज दी खबरां खत्म होईयां। नवी खबरां नाल वात हाजिर होसियां। अल्लाह हाफिज।